हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक कहानी और हमारी कहानी का शीर्षक है राबिया की सुई। इस कहानी को आप ना ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी के अंत में मैं आपसे कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो तैयार कहानी के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में लोग आपस में हमेशा एक दूसरे की शिकायत में लगे रहते थे। ये उनके दुख का बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। वह हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके निकालती रहती थी। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। दो चार लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राबिया को कुछ खोजते देखकर पूछा, क्या खो गया है? राबिया ने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। उन्होंने सोचा, बूढ़ी महिला है और आँखें भी कमज़ोर हैं, इसकी मदद करनी चाहिए। वो लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लगे। लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज़ है, जब तक ठीक से पता ना चले कि कहाँ गिरी है तो इतने बड़े रास्ते पर कहाँ खोजते रहेंगे, अंधेरा भी होने को है। उसने राबिया से पूछा, माँ जी यह तो बता दो कि सुई गिरी कहाँ है, हम वहीं खोज लेंगे। इतने बड़े रास्ते पर कहाँ कहाँ खोजें? राबिया ने जवाब में कहा, ये तो पूछो ही मत, सुई तो घर के भीतर गिरी है। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग खोजना छोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हो ना हो माई पागल हो गई है, सुई घर के भीतर गिरी है और हमें बाहर खोजने के लिए लगा दिया है। यह बात जब उन्होंने राबिया से कही तो राबिया बोली, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? खोज तो केवल रोशनी में ही हो सकती है। यह जवाब सुनकर तो गांव वाले हंसने लगे। वे राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं भी है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा ना। अब हंसने की बारी राबिया की थी। राबिया बोली, बेटा बात तो आप समझदारी की करते हो, लेकिन मैं तो वही तरीका अपना रही थी जो तुम सबको अपनाते देखती हूँ। गांव वालों ने हैरत से कहा, क्या मतलब? राबिया ने कहना जारी रखा, मैं रोज़ तुम लोगों को कलह करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफ़ों में, दूसरों से मिलने वाले फ़ायदों में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर खोई है। खुशी वहीं खोजो जहाँ खोई है। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि राबिया उन्हें समझाने के लिए ही सुई खोजने का नाटक कर रही थी। तो ये है हमारी आज की कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस खुशी को हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो खुशी कहाँ है, वो हमारे ही अंदर समाई हुई है। हमारा हर पल खुशियों से भरा है, बस ये हम पर है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं। अगर हम उन्हें सही समय पर पहचान पाते हैं तो हम उन्हें एंजॉय कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है, हम बड़ी खुशी के इंतज़ार में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब लोगों को ना सुबह उठना बहुत बुरा लगता होगा, सोचते होंगे सुबह सुबह क्यों उठना पड़ता है। लेकिन ये सोचो, अगर सुबह लेट उठो तो क्या होगा? जो चिड़ियों के चहचहाने की खुशी है, जो हवा की ठंडक है, वो तो आप मिस कर दोगे ना, आप तो उठे नहीं जल्दी, तो वो चीज़ हमने मिस कर दी, वो खुशी हमारे से हाथ से निकल गई। उसी तरह आप में से कई बच्चों को लगता है ये ऑनलाइन क्लास कितना बड़ा झंझट है, हमें क्यों ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचो कि आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो तो क्लास ही नहीं कर पाते, वो कैसे पढ़ते होंगे। इसलिए हर पल को खुश होकर एंजॉय करो, हर पल का खुशी के साथ स्वागत करो। तो ये तो हो गई हमारी कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा। अब मैंने आपको बताया था ना कि कहानी के एंड में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, तो अब उन प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न है, राबिया अपनी सुई गलत जगह क्यों ढूंढ रही थी? और दूसरा प्रश्न,
आपके अनुसार खुशियों और दुखों के कौन कौन से कारण होते हैं? और एक प्रश्न 3, आपको ये सूची बनानी है कि आपको किन कार्यों से खुशी मिलती है। तो ये 3 प्रश्न आप बेटा इनका उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हो, या व्हाट्सएप ऑडियो पे भी आप अपने जो भी विचार है, जो आपको लगता है इसका उत्तर हो सकता है, वो आप ऑडियो के माध्यम से भी भेज सकते हो। तो ये थी हमारी आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटो।